नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आपने मार्केट में बहुत बार देखा होगा, सोना सोने के भाव पर बिकता है, चांदी चांदी के भाव पर, प्लैटिनम का अपना भाव है, लोहे का अपना भाव है, चारों मेटल्स का अलग अलग भाव है। पर कभी आपने देखा है कि लोहा सोने के भाव पर बिक रहा है, चांदी डायमंड के भाव पर बिक रही है और सोना प्लैटिनम के भाव पर बिक रहा है? कभी ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है दोस्त। ऊपर वाले ने जो मेटल बनाकर भेज दिया वो मेटल है, तो कीमत उनकी उसी हिसाब से तय कर दी गई है। हाँ, एक बात है कि मेटल की प्योरिटी थोड़ा बहुत डिफाइन कर देती है कि इसकी कीमत और ज्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बट दोस्तों, ये मेटल के साथ है, ये हम इंसानों के साथ नहीं है। अगर बाहर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज हमारा रेट लोहे का भी है, तो ये एक दिन डायमंड का हो सकता है, ये एक दिन प्लैटिनम का हो सकता है। क्योंकि लोहा कभी डायमंड नहीं बनेगा, बट हम लोग डायमंड बन सकते हैं, हम लोग प्लैटिनम बन सकते हैं। सवाल उठता है कैसे, कि हम लोग कैसे अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी कीमत को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। बहुत आसान है दोस्त, बहुत सिंपल है। कैसे? कि जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आप उस प्रोफेशन पे जितना टाइम लगाते हैं, जितना काम करते हैं, जब उससे ज्यादा टाइम, उससे ज्यादा काम आप अपने ऊपर करना शुरू करेंगे, तो आप अपनी कीमत को बढ़ा पाएंगे। दोस्त, आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, अपने ऊपर क्या काम किया जाता है? बिल्कुल दोस्त, अपने ऊपर बहुत काम किया जाता है। अपने हुनर को बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए आपको बहुत बार बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बात करूँ एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो अपनी पूरी लाइफ में अगर कुछ भी सीखता नहीं है और सारा दिन मार्केट में सेल्स का काम करता है, तो उसके हाथ में जो रिजल्ट्स आएंगे वो सबसे थर्ड क्लास रिजल्ट्स होंगे, और वो कभी इस डिफरेंस को रीड भी नहीं कर पाएगा कि ये रीज़न है क्यों। क्योंकि वो कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, कुछ बुक्स नहीं पढ़ता, वो कुछ ऐसे पेड सेशंस अटेंड नहीं करता जहां पर अपने ऊपर पैसा खर्च के नॉलेज ली जाए और अपने आप को और इंप्रूव किया जाए, तो वो वही रिजल्ट्स पा रहा होता है। आप देखिए, इस देश में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो ब्यूटी पार्लर का काम कर रही होती हैं। अब वो पूरा साल ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, बट उनसे अगर पूछा जाए एक साल में कितनी बार आप नए नए टेक्निक्स के, नए नए कोर्सेज सीखती हैं, हेयर कटिंग के और हेयर डिजाइनिंग के और नए नए मेकअप के, कितनी बार आप पैसा अपने ऊपर खर्च करके अपनी वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं? अगर वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो उन्होंने नोटिस करना, उन्होंने जितना पैसा पिछले साल कमाया होता है वो उतना ही पैसा इस साल भी कमाएंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू, जो वैल्यू लास्ट ईयर थी वही वैल्यू इस ईयर है, तो जो बैंक बैलेंस लास्ट ईयर था वही बैंक बैलेंस इस ईयर होगा। कोई ग्रोथ हम ऐसा सच देख नहीं पाएंगे। एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक यंग आदमी को फॉरेस्ट के अंदर पेड़ काटने का काम मिलता है, वो एक हफ्ते के अंदर औसतन ठीक ठाक पेड़ काट लेता है। उसी के साथ वो देखता है कि एक ओल्ड आदमी को भी सेम काम मिला, एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी सेम काम मिला पेड़ काटने का, तो वो ओल्ड आदमी सरप्राइजिंगली उस यंग आदमी से चार गुना ज्यादा पेड़ काटता है। ये बात यंग आदमी से डाइजेस्ट नहीं होती, यंग आदमी हैरान हो जाता है, जवान मैं हूं और पेड़ ये बुजुर्ग आदमी ज्यादा काट रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो छुप कर कैसे देखने जाता है कि ये ओल्ड आदमी आखिर पेड़ कैसे काट रहा है, कोई नई टेक्निक तो नहीं है? तो वो क्या देखता है कि वो ओल्ड आदमी हर 3 घंटे पेड़ काटने के बाद 15 मिनट अपनी आरी की धार को तेज किया करता था और फिर से लगता था पेड़ काटने के लिए। और यही चीज देखने के बाद यंग आदमी अपने आप से सवाल कर रहा था, यार मैंने आखिरी बार अपनी आरी की धार को तेज कब किया, मुझे याद ही नहीं है। तो वो उसी आरी की धार से पेड़ काटे जा रहे, और जिसलिए रिजल्ट्स नॉमिनल थे, और एक आदमी वहां पर एज में ज्यादा है बट वो आरी की धार को तेज कर रहा है, अपनी ग्रोथ लेकर आ रहा है, जिसके लिए रिजल्ट्स बहुत ज्यादा थे वहां पर। सो यू कैन हैव मोर देन यू हैव गॉट, बिकॉज यू कैन बिकम मोर देन यू आर। आप जितने आज हैं आप इससे ज्यादा बढ़ सकते हैं दोस्त। पर एक आपने सुना होगा, जो पहले इंसान जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी, उनका नाम है सर एडमंड हिलेरी। जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं की थी, बहुत सारे ट्राई करने के बाद वो फेल हो गए थे, तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाने के लिए एक अच्छा खासा समारोह रखा और वहां पर उनको इनवाइट किया, ये बोलने के लिए कि आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और वहां पर उनको माइक दिया गया कि बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, और वहां पर एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को देखकर सर एडमंड हिलेरी क्या बोलते हैं आप जानते हैं? उन्होंने कहा कि तूने जितना बढ़ना था तू बढ़ चुका है,
यानी तेरी हाइट, माउंट एवरेस्ट को वो कह रहे थे कि तेरी हाइट जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, बट मेरा बढ़ना अभी भी बाकी है। मैं जितना चाहूँ और ग्रो हो सकता हूँ और ग्रो कर सकता हूँ अपने पोटेंशियल में, अपने हुनर में, अपनी कैपेबिलिटीज़ में। तो दोस्तों यही है सच्ची एक असलियत, यही है सच्चाई। योर इनकम नेवर एक्सीड योर पर्सनल ग्रोथ एंड योर डेवलपमेंट। आपका बैंक बैलेंस कभी भी आपके डेवलपमेंट से ज़्यादा नहीं होगा, कभी भी आपकी पर्सनल ग्रोथ से ज़्यादा नहीं होगा। तो काम क्या करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, कितना टाइम आप अपने काम, अपनी एक्सेलेंस पर लगाते हैं दोस्त, अपने आप को ग्रो करने पर लगाते हैं, कितना पैसा आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी ग्रोथ पर खर्च करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है दोस्त। हर इंसान चाहता है कि मैं डायमंड की तरह चमकूं, डायमंड की तरह बनूं और डायमंड जैसा पैसा मेरे साथ मिले, बट वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जैसे वो डायमंड वाला जीवन जी पाए। सारा किस्सा ही दोस्तों ग्रोथ का है, और शायद इसीलिए लोग अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि चाहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल बट खुद कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनना नहीं चाहते, अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते, इसीलिए जीवन भर फ्रस्ट्रेट रहते हैं सोचकर कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल मिल क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों इस वीडियो का पर्पज़ यही है, आपसे सिर्फ ये साझा करना कि ये हमारे हाथ में है कि हमने लोहे के भाव पर मार्केट में रहना है, या हमने चांदी के भाव पर रहना है, या सोने के भाव पर रहना है, या डायमंड के भाव पर, या प्लेटिनम के भाव पर। सब कुछ हमारे हाथ में है, कोई भी प्रोफेशन हो मैं नहीं पूछ रहा, मैं नहीं जानना चाहता वो प्रोफेशन क्या है, क्योंकि हर प्रोफेशन के अंदर एक हीरा होता है, हर प्रोफेशन के अंदर एक प्लेटिनम होता है। अपनी वैल्यू पहचानिए दोस्त, और अगर वैल्यू कम है तो पैसा खर्च करिए अपने ऊपर, मेहनत करिए अपने ऊपर, किताबें पढ़िए या वीडियोस देखिए या ट्रेनिंग्स लीजिए, जिस भी आप प्रोफेशन के हैं अपनी वैल्यू के ऊपर काम करिए। एंड करना चाहूँगा इस वीडियो का, मुझे फेमस डायलॉग याद आ गया थ्री इडियट्स मूवी का, आमिर खान ने क्या कहा था उस मूवी में कि दोस्त पैसे के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। तो जो भी काम कर रहे हैं अपनी वैल्यू के ऊपर अगर ज़्यादा काम करेंगे तो दोस्त पैसे के पीछे कभी आपको भागना भी नहीं पड़ेगा। आई होप मेरी ये कोशिश वैल्यू को इंक्रीज करने में आपको थोड़ी मददगार साबित हुई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्त तो मैं चाहूँगा आप इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने जितने भी जानने वाले दोस्त हैं, लोग हैं, उनके साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी ढेरों वीडियोस जो मीनिंगफुल कंटेंट है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।